हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्साक्षी इलेक्ट्रिक में। तो आज आपको वाटर पंप टुल्लू पंप के बारे में बताने वाले हैं, जो कि क्रॉम्पटन कंपनी का है। क्रॉम्पटन कंपनी का सेल्फ प्राइमरिंग पंप है। इसके रिवाइंड कर चुके हैं, इसके डाटा के बारे में बताने वाले हैं कि इसमें कौन से डाटा से रिवाइंड किए हैं, कितने नंबर का गेज पड़ा है, वो सब कुछ डिटेल बताने वाले हैं। मेन टॉपिक यही होता है कि इसका डाटा क्या है, कॉयल डालना और सिलाई करना, ये सब तो बस आप कर ही लेंगे, लेकिन डाटा को आपको जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो हमने यहाँ पे सारा प्रोसेस पूरा कर लिया है और इसका सिलाई, वार्निश, पेपर सब चीज़ लगा कंप्लीट कर लिया है। तो इसके जो हैं क्रॉम्पटन के डाटा जो हैं, कुछ तो बॉडी पे दिया हुआ है, इसको बता देते हैं। सारा डिटेल दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। इसका स्टेटर साइज है 25 25 mm और इसका जो स्पीड है 2880 rpm, 2.5 ampere करंट लेकर चलेगा ये। इसका सारा डिटेल दिया हुआ है, इसमें कितना टेम्परेचर का कट ऑफ लगाना है, सब कुछ डिटेल आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो इसके हम रिवाइंडिंग डाटा के बारे में आपको समझा देते हैं। हमने यहाँ से 6 लीड निकाल दिया है, 2 रनिंग के हैं, 2 स्टार्टिंग के हैं, 2 सेंसर के हैं। तो इसमें हमारा जो है 6 बार हो जाता है, तो हमें चेक करके हम बाद में पता लगा सकते हैं कौन से रनिंग का है, कौन सा स्टार्टिंग का, कौन 2 सेंसर के हैं। तो इसके हम डाटा के बारे में आपको बता देते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना, साथ ही साथ आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना। तो इस चैनल के माध्यम से आप टेक्निकल से संबंधित सारी जानकारी पाते रहेंगे और इसका हम डाटा आपको समझा देते हैं। इसका डाटा कौन से बार से इसका रिवाइंड हुआ है, तो सबसे पहले इसका हम स्टेटर का लेंथ बता देते हैं कि स्टेटर की लंबाई कितनी है, उसको नाप कर हम आपको दिखा देते हैं। तो इस प्रकार हम इसका लेंथ निकाल लेते हैं। इसका स्टेटर का लंबाई है 1.25 है, 1.25 इंच स्टेटर की लंबाई हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ से आप टेक्निकल से संबंधित सारी जानकारी पा सकते हैं। होम अप्लायंस जैसे कि टिल्ट पंप, फराटा, फैन, टेबल फैन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, यहाँ पे रिपेयरिंग इस चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेटर का जो है साइज नापे थे, वाया था 1.25 इंच है, 1.25 इंच स्टेटर का साइज है इसका, यही मेन होता है, यही साइज, इसी पे सब चीज़ डाटा और स्पीड और वायर सब चीज़ निर्भर करता है कि हम किस डाटा किस वायर से रिवाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम रनिंग डाटा को आपको बता देते हैं। तो रनिंग में हमने SWG साइज का हमने जो वायर यूज किया है वह है 27 नंबर, 27 नंबर को हमने यूज किया है यहाँ रनिंग में। और इसका पिच और टर्न क्या है वो भी आपको बता देते हैं। इसका जो पिच है, इसका पिच है 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। रनिंग के हमने 4 कॉइल के सेट डालने हैं इसमें, 1 से 6 में 1 कॉइल, 1 से 8 में 1 कॉइल, इसी प्रकार 4 के 2 सेट रहेंगे, टोटल 8 कॉइल रहेंगे। और इसके जो हैं
टर्न कितना रहेंगे, 1 से 6 में हमें कितना टर्न करना है, 1 से 6 में हमें 105 टर्न करना है जो है, 1 से 8 का जो पिच है इसमें भी 105 टर्न करना है, और 1 से 10 का जो पिच है इसमें हमें 105 ही टर्न करना है, और 1 से 12 जो पिच है इसका थोड़ा अलग है, इसका शॉर्ट टर्न है। तो इस प्रकार इसका रनिंग का डाटा कंप्लीट हो जाता है, 1 से 6 में 105, 1 से 8 में 105, 1 से 10 में भी 105, 1 से 12 में हमने शॉर्ट टर्न कर दिया है। तो ये रनिंग का डाटा इस प्रकार हो जाता है। अब स्टार्टिंग का हम आपको बता देते हैं, स्टार्टिंग में जो है तार का गेज हमने कितना यूज किया है, वह है SWG साइज का 29 नंबर हमने यूज किया है। स्टार्टिंग में हमने 29 नंबर को यूज किया है, और इसका भी पिच और डाटा आपको बता देते हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ कमेंट करना कि आपको ये डाटा कैसा लगा। तो इसका हम पिच बता देते हैं, इसका जो पिच है 1 से 10 और 112, इसके टोटल 2 क्वाइल, 2-2 के सेट रहेंगे, टोटल 4 क्वाइल रहेंगे स्टार्टिंग के। तो इसके टर्न कितने हैं, इसके टर्न अलग हैं क्योंकि रन का स्टार्टिंग का वायर गेज ही अलग है, तो टर्न भी अलग रहेगा। तो इसके जो टर्न हैं 150 1 से 10 के बीच में रहेगा, और 1 से 12 में भी 150 रहेगा। तो स्टार्टिंग के भी इस प्रकार 4 क्वाइल, 1 से 50 के 4 क्वाइल, 4 के सेट हम तैयार कर लेंगे और इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो इस प्रकार ये डाटा कंप्लीट हो जाता है, आप यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी डाटा से हमने इसको इंस्टॉल किया है, और ये कंपनी का डाटा है जैसा कि इसमें पहले से भरा हुआ था, उसी डाटा को हमने इसमें फिर से भरा है और आपको भी इसी डाटा को बताया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना।